आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। सफीदों में रविवार को स्वर्गीय मूलाराम यादव की स्मृति में ग्रामीणों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उनके घर द्वार पर पहुंचाने के उद्देश्य से मुआना गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का शुभारंभ सफीदों के SDM वीरेंद्र सांगवान ने किया। वहीं कैंप की अध्यक्षता जिला BJP अध्यक्ष अमरपाल सिंह राणा ने की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर करमबीर सिंह, DSP सुनील कुमार और जिला इनेलो प्रधान कृष्ण राठी भी मौजूद रहे। इस निशुल्क चिकित्सा कैंप की एक खास बात ये भी रही कि ग्रामीणों को मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनके अन्य सरकारी काम निपटाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला भी वहाँ मौजूद था। वहीं इस कैंप के आयोजन में हांसी शहर में निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर करमबीर सिंह और SPG ग्रुप का अहम योगदान रहा। इस मुफ्त चिकित्सा कैंप में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लगभग 1440 से ज्यादा बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों को इसका फायदा दिया गया। तो वहीं इसी प्रकार ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने का लाभ उठाते हुए 50 से ज्यादा नए वोट बनवाए, 15 वोटों का शुद्धिकरण किया और 25 से ज्यादा आधार कार्डों को ठीक करवाने के साथ साथ रिकॉर्ड तोड़ 95 से ज्यादा युवाओं ने नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया। वहीं इस मौके पर SDM ने कहा कि आज के इस कैंप में हर तरह की बीमारी से संबंधित OPD लगाई गई और रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ साथ फ्री में ही दवाइयां भी दी गई। उन्होंने इस कैंप की भूरी भूरी प्रशंसा की। आज गांव मोहना में मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, साथ साथ में यहां पे बच्चों के जो लर्निंग लाइसेंस है वो भी बन रहे हैं, आधार कार्ड भी बन रहे हैं, वोट आई कार्ड भी बन रहे हैं और बिजली के लिए जो LED बल्ब है वो भी यहां पे सस्ती कीमत पे उपलब्ध है। आज जो ये कैंप लगाएगा ये डॉक्टर करमबीर जी हैं, हमारे करमबीर यादव जी। गांव तो उनका मलार गांव है, परंतु वो अपना प्राइवेट क्लिनिक जो है उन्होंने RC में खोल रखा है और उनके पिता स्वर्गीय पिताजी की याद मुला यादव जी थे, उनकी याद में आज ये हेल्थ कैंप भी लगाया गया है। यहाँ पे मैं करमबीर जी का और उनकी पूरी टीम का मैं तहदिल से अपने सब्डिवीजन में आने पर और यहाँ पे कैंप लगाने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और होप करता हूँ कि आगे भी हमारे इस तरह से हेल्प करते रहेंगे। देखिए थोड़े बहुत इसमें देखो पैसे भी खर्च होते हैं, कहीं से अगर कोई सहायता मिलेगी तो हम आगे भी इस तरह का एक अभियान जारी रखेंगे हेल्थ कैंप जो गांव, क्योंकि गांव में जो आदमी रहते हैं वो मेडिकल फैसिलिटी से काफ़ी वंचित रहते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है, मेरा अपना मानना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज यहाँ पे हेल्थ कैंप का आयोजन किया। वहीं इस कैंप का लाभ लेने पहुंचे लोगों के चेहरे पर भी इस कैंप के आयोजन को लेकर एक अलग ही खुशी दिखाई थी। जो काम किया कैंप लगाने का ये बहुत बढ़िया सराहनीय काम है, सराहनीय कदम है, तो इससे गांव में मतलब लोगों को ज़्यादा मेडिकल सुविधा नहीं मिलती और इसके थ्रू लोगों को मतलब बढ़िया चिकित्सा मिल जाएगी और बढ़िया देखभाल हो जाएगी, तो लोग थोड़े जागरूक होंगे और अगान पहचान भी जान लाए देंगे। इस तरह जैसे मतलब जो संस्था और भी आगे आवे हैं तो इससे बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत बढ़िया फायदा होगा। ये बहुत अच्छा है, फ्री कैंप है, ऐसे ऐसे कैंपों में तो जाना चाहिए और सहयोग भी देना चाहिए। तो वहीं जनता के चेहरे खुश देखकर कैंप के आयोजक डॉक्टर करमबीर सिंह भी खुशी से फूले नहीं समाए। सभी परचेज करके में देने के लिए लाए गए, अब मैंने अपने पिताजी की याद में कैंप का सहयोग, दूसरे लोगों के लिए भी आप कहेंगे कि वो लोग भी इस प्रकार के लोगों ने जो अपनी कमाई का 10% हिस्सा निकाल के अपने बुजुर्गों का नाम लगा रखा, इससे लोगों का भी भला हो सके और मन की शांति हो। संस्था की ओर से ये कैंप वाकई में एक मिसाल है, बाकी सभी संस्थाओं को भी इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी ग्रुप में और एक्जिम साहब के सहयोग से, और ये जिला जी का सबसे बड़ा गांव है और गांव में जो ये दर दर तो पोस्टमेंट घूम रही थी, सरकार की नीति है इनका जो कैंप लगा कर जो भी दुख तकलीफें हैं वो मौके पर ठीक की जाए, उसी कड़ी में सभी विभागों के सब स्पेशली डॉक्टर आए हैं और वोट कार्ड बनाने का और दूसरे जो लाइसेंस है ये सारी सुविधा आज यहाँ गाँव में आई। इसके लिए मैं जो है ना ऐसी ग्रुप का भी और एक्जिम साहब का भी धन्यवाद करता हूँ और गाँव को इसको लोगों को रहने का राहत काफ़ी मिलेगी इसमें। सत्य खबर के लिए सफीदों से सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।